गर्मी की छुट्टियों का अंतिम दिन है। अदिति अपनी नानी के पास से घर को लौट रही है। वह अपने गांव जाने के लिए तैयार हो रही है तो नानी अदिति से कुछ कह रही है। बेटा अदिति, मैंने यह टोकरी भी बांध कर रख दी है, इसे भी अपने साथ ले जाना। चलो, टोकरी तुम स्वयं अनुमान लगाकर बताओ। में क्या है नानी जी? अच्छा, मुझे सोचने दो। या तो इसमें मिठाई है या फल। मिठाई नहीं, फल है। तब तो इसमें अवश्य ही सेब होंगे। नहीं, सेब नहीं है। फिर से सोचो। ठीक है नानी। अच्छा, यह तो बताओ कि यह फल छोटे पौधे पर लगता है अथवा पेड़ पेड़ पर? पर? तब तो यह नारंगी नहीं बिटिया, नारंगी भी नहीं है। है। अच्छा, यह पीला है या लाल? पीला है। ना तब यह आम होगा? ना, आम भी नहीं है। अच्छा, मुझे फिर से सोचने दो। इसकी आकृति गोल है। कैसी है? तब तो अमरूद नहीं, अमरूद नहीं है। होगा। अच्छा नानी, यह बताओ, यह स्वाद में कैसा है? मीठा, खट्टा या फिर कसैला? इसका स्वाद तो खट्टा है। तब तो यह जरूर माल्टा होगा। नहीं बिटिया, तुम करीब करीब तो पहुंच गई हो, फिर भी थोड़ा और प्रयास करो। ठीक है नानी। अच्छा बताओ, यह किस यह अचार और शरबत बनाने के काम आता है। काम में आता है? नानी, अब मैं जान गई कि यह नींबू है। हाँ, शाबाश, ठीक बताया बिटिया। तो देखा, अदिति ने अपनी सूझबूझ से टोकरी को बिना खोले ही अनुमान लगाकर सही सही फल के बारे में जान लिया। आप भी इस तरीके से कुछ चीजों को सूझबूझ से बिना देखे ही पहचान सकते हैं। आपको अदिति और उसकी नानी की ये बातचीत कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।